आए हैं कस्बा ढाबा जो कि बाईपास में है या मुमरा के पास में। फर्स्ट टाइम आई हूँ, आज मैं इसका डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सो बने रहिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, मैं सदफ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ कस्बा रेस्टोरेंट, मुमरा के कस्बा रेस्टोरेंट में लेकर आई हूँ। तो हम लोग अपने घर से निकल कर बहुत दूर चल कर सिलफाटे की तरफ से जा रहे हैं कस्बा ढाबा जो कि बाईपास रोड पे है। तो फाइनली हम यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर बड़ा सा गेट है। ये जो गेट है, इंट्रेंस है, जो वो लंदन गेट की थीम पर बना हुआ है। तो जैसे ही आप गेट के अंदर आते हैं आपको एक ह्यूज स्पेस मिलेगा। जी हाँ, पार्किंग का अच्छा खासा स्पेस है, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर पार्किंग की। यहाँ पर 8-10 तरह की डाइनिंग है, मैंने बहुत सुना था तो सोचा चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो बिल्कुल डिफरेंट बनाया है ये रेस्टोरेंट को, ढाबा स्टाइल बनाने की कोशिश की है, जिसमें ये बहुत कामयाब भी है। तो हम बात करेंगे कि कितने तरह की डाइनिंग और यहाँ पर कितनी वैरायटीज है खाने की। तो चलिए आपको ले चलते हैं, हम अंदर पहुंच चुके हैं। जैसे ही एंटर करेंगे आपको बहुत ही खूबसूरत टेंट हाउस दिखेंगे। देखिए जो टेंट हाउस डाइनिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट लिया है वो थाईलैंड से लिया है इन्होंने, और ये इसलिए बनाया है टेंट हाउस जो प्राइवेसी मेंटेन रखे, जो प्राइवेट स्पेस में डाइनिंग करना चाहते हैं उनके लिए बनाया है। ये जो टेंट हाउस है इसमें 8-10 सिटिंग अरेंजमेंट है। तो आइए ले चलते हैं जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, ये ढाबा कम रेस्टोरेंट जो है ये बहुत ही फेमस है शिप डाइनिंग के लिए, जो आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। ये बेहद ही एक अलग ही फील देती है जैसे ही आप इसके करीब आएंगे। एक बड़ी सी बहुत ही अच्छी दिख रही है ये शिप लाइक जो इन्होंने डाइनिंग लिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने लंदन से लिया है। एक्चुअली लंदन में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर एक शिप पे डाइनिंग होती है, यहाँ पे मतलब फूड कोर्ट बनाया है शिप पे ओपन, तो ये भी वहीं से लिया है इन्होंने। ऊपर आके आइए, मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम ओपन एयर स्पेस है, आपको एकदम ढाबा स्टाइल लगेगा यहाँ पर भी। और सबसे अच्छी बात जो है यहाँ का व्यू, ये टॉप पर अच्छी खासी हाइट पर बनाया है और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मुमरा शहर यहाँ से दिखता है। एक साइड में देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया है और ट्री हाउस आप देख सकते हैं। ट्री हाउस जब हम लोग आए थे तो एक्चुअली बंद था, कोई यहाँ पे था नहीं, लेकिन जो है बहुत ही खूबसूरत ये भी दिख रहा है और अच्छी खासी हाइट पर है। एक नया सेक्शन डाइनिंग का बैम्बू स्टाइल शामियाना, और ये जो बीच में बनाया है ढाबे का टच देने के लिए खाट स्टाइल। बोलते हैं जब तक खाट पे ना बैठो ढाबे की फीलिंग नहीं आती है, तो इसके लिए इन्होंने ये एक सेक्शन अलग से बनाया है। इतना रनिंग है, मंडी राइस, तंदूर, क्या नहीं है, बहुत सारी वैरायटीज है मेन्यू। जैसे मैं हर वीडियो में आपको शेयर करती हूँ, यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ डिटेल, मतलब मेन्यू आप जाकर देख सकते हो। वैसे मेन्यू आप देख लीजिए, और एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी कि जो इन्होंने ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट है वो न्यूजीलैंड से लिया है, और बातों बातों में हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑर्डर की थी, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जायका था। बहुत ही रनिंग रेस्टोरेंट है, मतलब हम लोग जब भी आए हैं, समझ लीजिए हम लोग 10-10:30 के करीब आए, उसके बाद से जो पब्लिक आई है, इतनी सारी वेटिंग, इतना स्पेस होने के बावजूद, आप सोच सकते हो। ये जन्नत की मस्ती चालू है यहाँ पे भी। ये है मंडी राइस, बहुत ही बेहतरीन है, ट्राई जरूर करिएगा इसे भी। तो यहाँ पर एक चीज और है, किचन यहाँ पर ओपन रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ओपन किचन, इनका कहना है कि पब्लिक खुद आए
जो उन्होंने ऑर्डर किया है वो आकर देखे कि किस तरीके से खाना बन रहा है, कितनी साफ सफाई के साथ बन रहा है, हाइजीन मेंटेन रखा है कि नहीं। इसलिए इनका ये दावा है कि वो मतलब आकर पब्लिक देखे कि कितना हाइजीन उन्होंने मेंटेन रखा है खाना देने के, खाना बनाने के, उनकी वैरायटी के साथ साथ। ये जो है तुर्किश तंदूर है जो फाइव स्टार, बड़े बड़े फाइव स्टार होटल में रहता है। यहाँ पर बच्चों की प्ले एरिया है, बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पर भी है, वजू का भी इंतज़ाम किया हुआ है, नमाज के लिए भी लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग दो रूम बनाए हुए हैं, और अंदर से बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखा गया है, बहुत अच्छा स्पेस दिया है, बहुत सारे स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं, जंपिंग जपाक है जो बच्चों का फेवरेट रहता है, मेरे बेटे का तो बहुत फेवरेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बच्चे भी खुश, आप भी खुश। तो यहाँ पर आने की अगर सोच रहे हैं तो सोचिए मत, आइएगा ज़रूर। ये जो स्पेस, ये नमाज का है स्पेस, यहाँ से 15 से 20 लोग आराम से पढ़ सकते हैं एक साथ में। ये जो बाहर राइड्स हैं ये थोड़े चार्ज है, 50 रुपीज़ है पर राइड। ये जो प्लांट इन्होंने बनाया है, ये ट्री बनाई है वाइट कलर की, ये भी सेल्फी जोन है। और ये जो स्पेस इन्होंने बनाया है, बहुत सारी जगह छोड़ी हुई है, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि बहुत सारे इवेंट्स, शादी, गेट टुगेदर, सेमिनार वगैरह के लिए ये आपको देते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं, कोई इवेंट है आपका, तो इनको डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी ये जो स्पेस है ना, ये है फूड कोर्ट। फूड कोर्ट मतलब इनका कहना है कि सिर्फ खाने के लिए लोग ना आए, स्नैक्स खाने का मन हो तो भी आप आ सकते हैं और बच्चे आपके खेल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खाना ही खाना हो, चाय, कॉफ़ी, फालूदा, आइसक्रीम या पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। वैसे काफ़ी अच्छा सोचा है इन्होंने, मतलब स्नैक्स भी खाइए और ढाबे जैसा इंजॉयमेंट भी मिले, क्या बात है। ये आप ज़रा भी सीरियस मत होइएगा, ये जस्ट फॉर फन है, ये फन के लिए है, आप आइए और अपनी किस्मत आजमाइए। अलादीन का चिराग तो है ही साथ में। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत सारी अलग अलग दुनिया में अलग अलग जगहों से इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है और उसको एक जगह क्रिएट करना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अलग बना है ये बाकी ढाबों से। तो बाहर जैसे ही आप आएंगे, आपको साइड में खाना खाने के बाद अगर पान खाने का मन है तो ये पान कॉर्नर है, बनारसी से लेके मीठे पान सारी वैरायटीज़ है यहाँ पर। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुँचे। मैं ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस, रेसिपीज़ एक्सप्लोर करती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड फाइंड द फूड इन यू। बाय बाय।